गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद करते हैं तुम सब अच्छे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट कंपनी फाइनल अकाउंट्स। एंड अगर हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो एग्जाम में 10-20 मार्क्स की कवरेज यहाँ से होनी ही होनी है, ठीक है। हमने क्या बोला, 10-20 मार्क्स की कवरेज होगी, चाहे तो पूरा एक क्वेश्चन इस पे आ जाए या 10 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे बनेगा। अब अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो इसमें ओवरऑल हम लोग को चार टॉपिक्स की कवरेज करनी है जो हमने बोर्ड पे लिखी भी है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड, सीडीटी दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट, डिविजिबल प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। एंड लास्ट, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, जो कि हम सब ने शेड्यूल 3 ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखा है। पीएल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, कैसे क्या एडजस्टमेंट होती है, उस पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो ये ओवरऑल चार टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे। एक एक टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा होगा रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स। चलो इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स की, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है, कैलकुलेशन ऑफ और हम लोग का रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की कैलकुलेशन के लिए क्या स्टेप है। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि मैनेजीरियल पर्सनल कौन कौन होते हैं, है ना, तब तो फिर हम लोग बात करेंगे उनके रेम्युनरेशन की। सबसे पहले हम किस टॉपिक पे बात कर लें कि मैनेजीरियल पर्सनल कौन कौन होते हैं। सिंपली हमारी कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी में जो भी मैनेजर्स होते हैं वो, और मैनेजर्स में कौन कौन आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, सारे के सारे मैनेजर्स कहाँ इंक्लूड होंगे, मैनेजरियल पर्सनल में। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर कौन सा, कोई भी होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, सबके सब कहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, इस मैनेजरियल पर्सनल में। और इन्हीं के लिए रेम्युनरेशन हमें कैसे डिसाइड करना, हम उसी पर बात कर रहे हैं। क्लियर? कुछ भी नोट मत करना, ऑलरेडी तुम लोग को नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो, हमें ये तो पता चल गया कि मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको हम रेम्युनरेशन कैसे देते। अगर रेम्युनरेशन की बात करें, है ना, तो अगेन यहाँ पे दो कंपनी की बात करें, फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी एंड दूसरी हो गई हमारी पब्लिक कंपनी। अब देखो, प्राइवेट कंपनी का सिंपल है, प्राइवेट कंपनी जितना देना चाहे अपने डायरेक्टर्स को, अपने मैनेजर्स को, वो प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनी में ये ऑप्शन है कि उनके मैनेजमेंट पे ये डिसीजन दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन है, वो जितना देना चाहे रेम्युनरेशन दे सकती है, ठीक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है और उसी रिस्ट्रिक्शन की बात हम लोग आज क्लास में करेंगे। देखो, हम लोग किसकी बात करें, पब्लिक कंपनी की। तो सिंपली अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में दो ऑप्शन दिया गया है, किस चीज के लिए, डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन है। हायर ऑफ फॉलोइंग क्या क्या है, एक एडजस्टेड प्रॉफिट की बात हो गई और एक बात हो गई बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। तो हमने बताया कि अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन देना चाहती है, अपने मैनेजर्स को रेम्युनरेशन देना चाहती है, तो वो दे सकती है। बट क्या देगी, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, चाहे तो एडजस्टेड प्रॉफिट की बात कर लो, चाहे बेस्ड ऑन कैपिटल प्रॉफिट, इन दोनों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इसमें से जो ज्यादा होगा उतना पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों के पास जो टॉपिक अराइज हुआ वो है कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है एंड इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बट हम एक बात बता दें कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है इसका मैक्सिमम पब्लिक कंपनी कितना दे सकती है, 11% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट।
सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट का मैक्सिमम कितना ये रेम्यूनरेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, 11%, किनको? मैनेजरियल डायरेक्टर्स को, क्लियर? तो 11% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट और बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल विच एवर इज हायर, वो क्या करेगी पब्लिक कंपनी, अपने डायरेक्टर्स को, अपने मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है ना, फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इफेक्टिव कैपिटल। अब देखो इफेक्टिव कैपिटल बेसिकली हम आप लोग को लर्न करा देते हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने वाले होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करें, क्लियर? अब देखो इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन में भी दो चीज़ है, एक कंपनी होती है जो कि होती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज मतलब जिनका काम ही होता है किसी न किसी सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, और एक होती है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो दोनों कंपनीज के लिए जो कैलकुलेशन है ना इफेक्टिव कैपिटल का, ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, तो इफेक्टिव कैपिटल में कैपिटल है ये तो नाम से समझ में आ रहा है, बट इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी? सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल, ठीक? और अपने को पता है कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, क्लियर? इसमें क्या चीज नहीं लेंगे शेयर कैपिटल में, एक्सेप्ट, हम ये चीज भी यहां मेंशन करते जा रहे हैं, तुम लोग नोट्स में ये चीज मेंशन कर लेना, एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन मनी। कई बार क्वेश्चन में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी दिया रहता है ना, तो वो यहां हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट, इसमें सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस एड होंगे, क्लियर? बट कौन से वाले होंगे, ओनली रियलाइज्ड इन कैश। हमने क्या बोला कि जो कैश में रियलाइज्ड होगा सिर्फ वो इंक्लूड करेंगे, एंड जो कैश में रियलाइज नहीं होगा वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो बेसिकली कैश में क्या रियलाइज नहीं होता, जनरली हम कह रहे हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। हम सबको पता है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कि अगर हमारे किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू या करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उतना इक्विवेलेंट हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले लेते हैं। तो क्या वो कैश में रियलाइज होता है? नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व ले लिया। और बाकी सारे के सारे रिजर्व आप ले सकते हो जो कि कैश में रियलाइज होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया अपना, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि ये सारे के सारे किस में रियलाइज हुए हो, कैश में। एंड लास्ट हमारा क्या पॉइंट आएगा, डेट्स, क्लियर? और ये कौन सा वाला डेट्स है, लॉन्ग टर्म वाला। मतलब हमने क्या बोला कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या क्या इंक्लूड होगा वो देख लें। एक तो डिबेंचर्स हो जाएगा, है ना, बैंक लोन भी हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स भी हो जाएगा, क्लियर? क्यों? क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं। क्या नहीं इंक्लूड होगा, हम बार बार बता रहे हैं, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोन्स को आप यहाँ इंक्लूड मत करना। शॉर्ट टर्म्स मतलब क्या हो गया, जैसे बैंक ओडी हो गया अपना, हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, बैंक ओडी हो गया, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल लोन हो गया। वर्किंग कैपिटल मतलब समझ ही रहे हो, डेटर क्रेडिटर्स वाली बात हो रही है। तो हमने जो भी शॉर्ट टर्म्स लोन थे उनको क्या किया बेटा, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इफेक्टिव कैपिटल में सिर्फ यही चीज आती है, आती तो तीन ही चीज है, पहले शेयर कैपिटल आएगी, फिर दूसरी क्या आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरी क्या आ जाएगी, डेट्स, क्लियर है? तीन चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल में सब कुछ इंक्लूड करना एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन मनी, रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ इंक्लूड करना एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व और रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड लास्ट हो गया हमारा डेट्स, डेट्स में हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स लेंगे, शॉर्ट टर्म डेट्स नहीं लेंगे, क्लियर है मेरा ये पॉइंट? तो उसके बाद ये हम यहां मेंशन कर दें, है ना, तो ये जो मेरा टोटल आएगा यही क्या है बच्चे, इफेक्टिव, ये जो मेरा टोटल आएगा यही क्या है, इफेक्टिव कैपिटल। यहां से यहां तक जो हमने इसको एड किया ये मेरा आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, क्लियर है? ये किस कंपनी के लिए था, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए, ठीक? अब अगर हम लोग नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करें ना,
तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और सिंपल है, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ देख ही लिया, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हम इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, रीजन बीइंग कि ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा, एक्सेप्ट क्या नहीं रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट को क्या करना होगा बेटा, एक्सक्लूड करना होगा, क्लियर है। यही हमारा सीधा सीधा इफेक्टिव कैपिटल था, होपफुली हम सबको लर्न हो गया होगा कि इफेक्टिव कैपिटल मतलब क्या। हाँ ठीक है मैम, बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक होती है, एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करें तो सिर्फ तीन चीज का ध्यान रखना है, शेयर कैपिटल का, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का, एंड डेट्स का। शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ वो लेंगे जो कैश में रियलाइज्ड हो, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे, एंड डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लेंगे। एंड अगर हम नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करें तो उसमें से सीधे सीधे हमको क्या लेस करना है, इन्वेस्टमेंट लेस कर देना है, क्लियर है, ठीक है। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ भी नोट करना है तो कर लो, फिर हम नेक्स्ट ये बताएंगे कि अब ये तो पता चल गया भाई कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, बट इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करेंगे, अब वो नेक्स्ट हम बताएंगे, ठीक है। इसमें से जो नोट करना है कर लो। चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल तो हम लोगों को मैम लर्न हो गया, अब हम लोग को ये चीज देखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल आप अपने मैनेजर्स को कितना रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ठीक है। चल देखो, एक हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल हमारा कितना होगा, एंड दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसके बेसिस पे हम लोग रेम्यूनरेशन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लियर। और जब यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये टू ऑल मैनेजरियल पर्सनल होगा, मतलब सबको मिला करके बात कर रहे हैं। अगर हमारा इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव टू लेस देन 5 crores है, ठीक है, हमने क्या बोला, नेगेटिव से लेके लेस देन 5 crores है, तो हमारा रेम्यूनरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ₹60 lakhs पर एनम। और ये जो 60 lakh पर एनम की बात करें ना, ये सारे मैनेजरियल पर्सनल को मिला करके हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, टू ऑल मैनेजरियल पर्सनल, मतलब सबको मिला करके हम कितना दे सकते हैं, सिर्फ 60 lakh, क्लियर। नेक्स्ट हमारी लिमिट है कि अगर हमारा इफेक्टिव कैपिटल 50 करोड़ से लेकर के लेस देन 100 करोड़ है, तो उस केस में हम मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, 84 लाख पर एनम, ठीक। नेक्स्ट लिमिट है कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, बट लेस देन 250 करोड़ है, तो फिर ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 120 लाख पर एन, ठीक है। एंड लास्ट 250 करोड़ टू इन्फिनाइट, तो उस केस में ये लिमिट अभी भी 120 लाख पर एन तो रहेगी रहेगी, बट इसके साथ साथ और क्या मिलेगा वो देखो, 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड 250 करोड़, कि 250 करोड़ से ज्यादा का जो इफेक्टिव कैपिटल आ रहा है उसके लिए हम उसका 0.01% एडिशनल देंगे, क्लियर है। तो ये हमारी ओवरऑल लिमिट थी कि अगर हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाला है तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन एलोकेट कर सकते हैं। तो सिंपली याद हो जाएगा, 4 पॉइंट्स है, अगर नेगेटिव से लेकर के 5 करोड़ तक है, या फिर कह लो कि अगर नेगेटिव से लेस देन 5 करोड़ है तो 64 लाख्स, 5 करोड़ से ज्यादा बट 100 करोड़ से कम है तो 84 लाख्स, 100 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है तो 120 लाख, और अगर 250 करोड़ से भी ज्यादा है बट इनफिनाइट तक है तो 120 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जितना आपका 250 करोड़ से ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.01% भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्लियर है, ये नोट करना है आप लोग, कर लो। तो ओवरऑल हमने ये देख लिया कि इफेक्टिव कैपिटल क्या है और इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप किस पे चलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल क्या है और उसके बेसिस पे, वैसे तो हमने बता दिया कि भाई 11% मैक्सिमम मिल सकता है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल,
हमने मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन बताया था, 11%। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली चार चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर कंपनी में एक होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैक्सिमम हम उनको कितना दे सकते हैं, सिर्फ 5% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? अगर हमारे पास मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बेटा, 10% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर कंपनी में सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ठीक, विथ जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है किसके साथ है, वो होल टाइम डायरेक्टर के साथ, मैनेजर के साथ और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो फिर हम इनको कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 1%। बट अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है विदाउट, एक ऐसी कंपनी जहां पे ना तो होल टाइम डायरेक्टर है ना मैनेजर है और ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो फिर हम इनको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हमने क्या बोला सिंपली कि एडजस्टेड प्रॉफिट का हम मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज रेम्यूनरेशन, 11%। बट उसकी भी फर्दर लिमिट है कि अगर एक कंपनी है उसमें एक होल टाइम डायरेक्टर या एक मैनेजर या एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%। पार्ट टाइम डायरेक्टर है विद होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और एमडी तो 1%, अदरवाइज 3%। क्लियर है? तो ये भी आप नोट कर लो। इसके बाद सिर्फ मेरा लास्ट टॉपिक क्या बचेगा कि हमें एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है, सिर्फ मेरा वो टॉपिक बच जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर लो। देखो, एडजस्टेड प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिंपली हमें से इसमें से ना हम लोग वो चीज एक्सक्लूड कर देते हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट आने के बाद माइनस हुई होगी। मतलब हम लोग इसमें ना सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हमारा जितना प्रॉफिट है वो ही इंक्लूड करते हैं। बाकी जैसे कोई प्रोविजन था वो आपने माइनस किया होगा तो वो वापस एड बैक कर देंगे, है ना? क्योंकि प्रोविजन मतलब क्या, जो एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है, मान के चल रहे कि इतना लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता है। कोई अब नॉर्मल लॉस है जिसको आपने लेस किया तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे, कोई अब नॉर्मल गेन है जिसको ऐड किया तो उसको लेस कर दोगे। मतलब सिंपली जहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट आपका आया है, अराइज हुआ है, वही चीज हम एडजस्टेड प्रॉफिट पे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब अपने लोग समझते हैं, सिंपली एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले का पैसा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर आप लोगों ने कुछ भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के फॉर्म में बांटा है सबसे पहले तो उसको ऐड करो। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं ना। तो अगर एक्चुअल में आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ तो उसको वापस ऐड बैक करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि उनको कितना देना है कितना नहीं। ऐड टैक्स भी काटा हुआ है तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे। ठीक, किसी भी अदर तरह का प्रोविजन हो वो भी हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो वो पैसा गया नहीं है ना अभी। ठीक है, नेक्स्ट ऐड करेंगे अगर किसी भी तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुआ हो तो। अगेन हमने क्या बोला, डे टू डे या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड तो ये है नहीं। क्लियर? लेस अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो आप भूल गए हो, है ना, एक्सपेंसेस जो कि राइट ऑफ होना चाहिए था और आपने अपने प्रॉफिट को कम नहीं किया तो अब उसको माइनस कर दो, ये ओमिशन है। लेस हमने बोला था अब नॉर्मल गेन के लिए, तो अगर कोई भी कैपिटल गेन है जैसे ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे जो हमने पहले से ऐड किया होगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग एक और चीज करते हैं कि जो भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं। एंड कौन सा वाला डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एक देखना क्वेश्चन में दिया होगा, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टू उसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो मतलब इसको ऐड कर दिया और उस डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे, हो गया।
तो अगर हम लोग देखें ना, तो ओवरऑल हम लोग को लर्न करने की भी जरूरत नहीं है इस प्रॉफिट में से। पहला, क्योंकि ये हम लोग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। किसी भी तरह का कोई प्रोविजन, क्योंकि वो हमने प्रोविजनिंग के अपनी प्रॉफिट कम की है, वो खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस एक्चुअल में राइट ऑफ होना चाहिए और आपने नहीं किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो वो माइनस कर दो। कोई अब नॉर्मल गेन है उसको लेस कर दो, जितना डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया उसको ऐड बैक कर दो, एंड जो डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टू तुम लोग के क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ से लेस कर दो। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। हमने क्या बोला कि ये कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास बैलेंस आएगा वही तो एडजस्टेड प्रॉफिट है, और उस एडजस्टेड प्रॉफिट का हम लोग मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओनली 11%। क्लियर है? बस यही तक हमारा टॉपिक था, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो जो भी हमारे मैनेजरियल पर्सन होते हैं उनको रेम्यूनरेशन देते टाइम हमें दो चीज़ का बस ध्यान देना होता है, और वो भी किस तरह की कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। किस किस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हायर ऑफ 11% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल और बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर? इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है ये समझ में आया, और इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं ये समझ में आया। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, और एडजस्टेड प्रॉफिट का मैक्सिमम हम लोग 11% दे सकते हैं। तो 11% निकाल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का, एंड एज पर इफेक्टिव कैपिटल जो भी हमारा बेसिस आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब देखो, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, लेट्स से इसका 11% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट है 100 करोड़, लेट्स से, ठीक है। एंड जो इफेक्टिव कैपिटल आया उसके बेसिस पे यहाँ आ रहा है 120 करोड़ रेम्यूनरेशन। तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसको, अपने मैनेजर्स को, अपने मैनेजरियल पर्सन्स को, इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। क्लियर है ये टॉपिक? ये नोट कर लो और अब सब अपनी बुक ओपन करो। अच्छा, एक चीज देखना, यहाँ ना जो हमने लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, इसको ना ऐड नहीं करना है, तो लॉस हो गया ना, इसको लॉस की तरह ट्रीट करना है, तो ये माइनस होगा, ठीक है, इसका करेक्शन कर लेना। अब चलो हम लोग बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और हम पहले बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर अपने को करना है, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है हम पहले ही बता रहे हैं कि उनको हम क्वेश्चन की जो पूरी लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो, जो हम लोग की बुक है उसमें जो सेकेंड पार्ट है, मतलब जो सेकेंड मॉड्यूल है, उसका पहला चैप्टर ही अपना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। क्वेश्चन टिक करो कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अभी फिलहाल हम लोग यही चार क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलो सीक्वेंस में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 से, बुक खोलो, देखो क्या लिखा है। कहते हैं फॉलोइंग इज अ ड्राफ्ट पीएल अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हमारे पास एक ड्राफ्टेड पीएल अकाउंट दिया हुआ है। नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो हम पूरा का पूरा पीएल रीड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 2, जैसा हमने बताया था, और क्वेश्चन में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें सिर्फ क्या बताना है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मैक्सिमम लिमिट। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल का तो कोई भी वे नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन दिया है कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले और उसका 11% ले ले, यही ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या कैलकुलेशन करने बोला है, अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सिंपली तुम लोग को याद है एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। मतलब जो भी चीज ऐड करने बताई थी ऐड कर देंगे, जो चीज बताई थी लेस करने वो लेस कर देंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ओरली। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या इसमें नेट प्रॉफिट दिया है, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया है 572,350, एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है 14,20,185। तो उसमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, दोनों को अगर माइनस करते तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है।
अब उस नेट प्रॉफिट में देखो, बैक कैलकुलेशन देख रहे हैं क्या क्या ऐड करेंगे, सारे रिजर्व्स ऐड होते हैं, सारे प्रॉफिट ऐड होते हैं क्योंकि हमने लिखवाया ही था बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या हो जाएगा बेटा, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, दोनों को ऐड बैक कर देंगे। उसके अलावा हमने बताया था कोई भी प्रोविजन उसको ऐड बैक कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन है वो भी ऐड कर देंगे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो भी ऐड कर देंगे, और लेस क्या करेंगे जो नीचे डेप्रिसिएशन दिया एज पर शेड्यूल टू। अच्छा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सब क्या है, ये सब अगर हम लोग देखें तो डे टू डे या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रन करने के लिए। आप लोग बोलोगे मैम डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं है, फीस किसके लिए होता है कि अगर वो कोई मीटिंग अटेंड किए तो उनके लिए फीस हम उनको पे कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन आपका खर्चा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बाई साइड देख लो, लिखा है बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, बेसिकली वो ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है। एंड सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव, ये भी डे टू डे के लिए हो गया। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सीधे दोनों को माइनस करके, जो कि दिया हुआ है 14,20,185 माइनस कितना 572,350। ठीक है, और यहाँ पे प्लीज लिख लेना इन रुपीज, माइनस करेंगे तो आएगा 847,835, दैट इज 847,835। अब जो जो बताया ऐड कर देते, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितना दिया है 12,500। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व दिया है वो भी ऐड कर देते हैं 4,00,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 12,42,500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 5,22,543। एंड लास्ट हमारा क्या ऐड होगा, मैनेजीरियल रेमुनरेशन, जो कि कितना दिया है 2,85,350। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे बेटा हम लोग, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल टू एकदम लास्ट में दिया हुआ है 5,75,345। क्लियर है, और तो इसमें से कुछ भी हमें एड लेस करना नहीं है, ये फिगर हमारी आएगी 27,35,383। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, और इस एडजस्टेड प्रॉफिट का मैक्सिमम कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अलाउड है, 11%। देयरफॉर ऊपर हमने लिखा भी है ना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, देयरफॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू 11% ऑफ 27,35,380। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे इसका 11% निकालो, ये आएगा 3,892.1। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, एंड एडजस्टेड प्रॉफिट जब निकल गया तो सीधे सीधे उसका 11% हमने एलोकेट कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब कर रहे। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5, क्या द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वाज ऑब्टेन्ड, बैलेंस शीट दिया, अगेन हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ेंगे। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम शेयर कैपिटल इंक्लूड करते हैं तो शेयर कैपिटल में सारी चीजें होंगी एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन मनी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल, हमें क्या बताना है, सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। Would your answer differ if X Limited is an investment company? अब देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि X Limited non-investment company है, बट लास्ट में क्या बोला,
कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो क्या आपका आंसर अलग होता फॉर इफेक्टिव कैपिटल? इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि एक्स लिमिटेड क्या है? नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है? इफेक्टिव कैपिटल हम लोग को निकालना आता है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी स्टार्टिंग से। देखो ऑथराइज से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को किससे मतलब है? इशूड एंड सब्सक्राइब से। प्रेफरेंस कैपिटल 15 लाख आएगा, इक्विटी शेयर 96 लाख आएगा, क्योंकि किसका पार्ट बनेगा बेटा? शेयर कैपिटल का। शेयर सस्पेंस अकाउंट जो कि 20 लाख है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, रीजन बिंग वो शेयर एप्लीकेशन में नहीं है। कैपिटल रिजर्व देखो 1,95,000 है, बट इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? 1.5 लाख। और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो हम लोग कितना लेंगे? सिर्फ 45,000 रिमेनिंग बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 लेंगे। सिक्योर लोन में देखो डिबेंचर से 65 लाख का लेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म है। पब्लिक डिपॉजिट लेंगे। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म क्या लेंगे? शॉर्ट टर्म ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल नहीं लेंगे। लास्ट में देखो इन्वेस्टमेंट दिया एंड PL दिया। PL का क्या दिया है? डेबिट बैलेंस दिया है। तो डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी तो ले रहे थे, तो लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है? एंड इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? एकदम लास्ट में माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? इफेक्टिव कैपिटल फॉर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल है ना, और यहाँ पे हम दोनों पार्ट का आंसर ना साथ में करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। हम इसको और ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो नीचे लिखेंगे ना तो आप लोगों को दिखेगा नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है? तो यहां हम क्या करेंगे ना, दो कॉलम बनाने की जगह साथ ही साथ तीन कॉलम बना लो। अब तीन कॉलम आप लोग पूछोगे किसका? एक इन्वेस्टमेंट का और एक नॉन इन्वेस्टमेंट। तो पहले अपने से पूछा है फॉर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और फिर पूछा है फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या लिख दें? रुपीज। तो एक साथ दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है? सर वो चीजें जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे वो लिखते चले। देखो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना कितना है वो नोट डाउन कर लो। 15 लाख है एंड ये कितना है? 96 लाख, ठीक। शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा नहीं। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात हम कर रहे हैं, उसमें हमने पहले ही देखा कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स है और कैपिटल रिजर्व्स वो लेंगे जो कि रियलाइज्ड इन कैश है, दैट इज 45,000। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो कितना दिया है? 50,000। और अगर हम लोग पीछे जा करके देखेंगे तो हम लोग के पास लॉस भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये कितना है बेटा? 75,75,000 माइनस कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ सिक्योर्ड लोन्स पे। हम हेडिंग बना करके ले रहे हैं कि जो जो वहां लिखा है बस वही हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। एक तो 15% डिबेंचर्स लेंगे और क्या लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट ले लेंगे जो कि अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट है। और कुछ लेंगे क्या? नहीं ना। 15% डिबेंचर्स कितना है? ये है 65 लाख। और पब्लिक डिपॉजिट देखो कितना है? 3,70,000 हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। क्या इसको इफेक्टिव कैपिटल बोलेंगे? नहीं, ये सिर्फ क्या है? टोटल कैपिटल। जल्दी से सो करके देख लेते हैं। 15 लाख प्लस 96 लाख,
इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं 15। हम कहीं लिखे ही नहीं है क्या? फिफ्टीन लाख प्लस 96 लाख 45,000, 50,000, 65 लाख, 370,000 माइनस 75 लाख, ये आ रहा है अपना 1,65,40,000। ठीक है, 1,65,40,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल। बट हम लोग किसकी बात करें, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करें, तो उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो कि देखो सीधे सीधे दिया है 75 लाख, ये हम लोग यहां से माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट 75 लाख। ये अगर ना दिखे तो प्लीज हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं कि 75 लाख को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 90,40,000। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इफेक्टिव कैपिटल फॉर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर बात करें तो ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,65,40,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी से हमें इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करना है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल मांगा था, हमने कैलकुलेट कर दी। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। एंड चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वो भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रब करें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 8 पे दिया है, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहे द एमडी ऑफ ए लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट। कितना मिलेगा, सिर्फ 5%। एमडी हमने पहले लिमिट बताई थी, एज इज रेम्यूनरेशन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 25,000 पर मंथ, चाहे तो 5% दो या 25,000 पर मंथ दो। द नेट प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस आर टू बी टेकन विदाउट चार्जिंग इनकम टैक्स एंड हिज रेम्यूनरेशन इटसेल्फ। ये नहीं भी बताता तो भी हमें पता है कि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है। एडजस्टेड प्रॉफिट में रेम्यूनरेशन इनकम टैक्स नहीं लेते। ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड मेड नेट प्रॉफिट ऑफ 43 लाख बिफोर चार्जिंग एमडीज रेम्यूनरेशन बट आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो बहुत ही इजीली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, कंप्यूट रेम्यूनरेशन पेबल टू एमडी। हमें बताना है कि एमडी को हम कितना रेम्यूनरेशन देंगे, तो दो ऑप्शन है, एक तो एडजस्टेड प्रॉफिट का 5%। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, 43 लाख प्लस 17 लाख 20,000। ठीक है, तो इससे हम लोग का सीधे आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट उसका 5%। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करके दिया है 25,000 पर मंथ, व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी हम रब कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल टू एमडी, जैसा क्वेश्चन में बोला है दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, और यहां लिख दे रहे इन रुपीज। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन एडजस्टेड प्रॉफिट, और प्लीज तुम लोग पूरा लिखना एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, देखो दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीधे लिखे आफ्टर टैक्स 43 लाख। ऐड क्या कर देंगे बेटा इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि कितना दिया है 17,20,000, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 60,20,000। ये कैसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। क्लियर, इसका हम कितना दे सकते हैं, अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करें एडजस्टेड प्रॉफिट का, तो हम लोग इसका मैक्सिमम कितना देंगे, जो कि दिया हुआ है कि 5% हम दे सकते हैं, तो 5% ऑफ 60,20,000, ये सीधे सीधे हो जाएगा कितना, 3,10,000। ठीक, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बेस्ड ऑन
इफेक्टिव कैपिटल, ये तो सीधे तुम लोगों को कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन क्या देगा, 25,000 × 12 पर मंथ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पता है विच एवर इज हायर देयर फोर एमडीज रेम्यूनरेशन, एमडी को रेम्यूनरेशन हम कितना देंगे, हायर ऑफ ए और बी, तो कितना हो जाएगा, 3,10,000। क्लियर? इसमें सिंपली हमें दोनों का ऑप्शन दिया था, जैसे एक क्वेश्चन में देखा एडजस्टेड प्रॉफिट पे, एक देखा इफेक्टिव कैपिटल पे, और ये पूरा पूरा क्वेश्चन एक दिया था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, हटा रहे इसको। इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। देखो वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर द ईयर फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगेन किसका पूछा है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का। ओरली भी डिस्कस कर लेंगे तो आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दिया हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा है, 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये एडजस्टेड कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेड अप कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए लोगे, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये मान लेंगे कि कैश है वो भी ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें तो वो भी ऐड करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ की अगर हम बात करें तो हमने पहले बताया कि हम उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे क्योंकि वो लॉस है। एंड लास्ट में देखो बेटा दिया हुआ है रेम्यूनरेशन पेड टू द एमडी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो तो एडजस्टेड प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी थी तो हम क्या करेंगे, एट लास्ट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे जो कि हमारा 3600 का दिया हुआ है, क्लियर है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है, तो सिर्फ इस पे फोकस करना। देखो पेड अप कैपिटल कितना दिया है, 18,000, ये हम बहुत ही रफ सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो ये 7200 दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1200, तुम लोग प्लीज पूरा पूरा लिखना, यहाँ पे हम ये बहुत ही रफली सॉल्व कर रहे हैं। अज्यूम्ड कैश, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है बेटा 6,000 का, है ना, माइनस क्या कर देंगे, ये सब तो ऐड वाला है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये क्या है, ये हमारा लॉस है 3,000 का, क्लियर। और क्या चीज आएगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका हम टोटल कर दें तो मेरे पास एक टोटल कैपिटल आ जाएगा, अभी इफेक्टिव कैपिटल नहीं आया है। तो ये हमारा आ जाएगा 29,400, ये क्या हो गया टोटल कैपिटल। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो 3600 का, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 25,800। ये क्या आ गया, इफेक्टिव कैपिटल। और अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें ना, तो क्वेश्चन में ऊपर दिया था इन 000 रुपीस, इसका मतलब ये फिगर्स ऑलरेडी 1000 में है, तो ये कितना हो जाएगा, थाउजेंड्स में है ना, तो ये तुम लोगों का हो गया 20, ये हम लोग का हो गया 2,58,00,000, है ना, दैट इज 2.58 crores, यही होगा ना, यहाँ लिख दें और 2.58 crores। अब अगर हम लोग को लिमिट याद है तो हम लोग बता सकते हैं कि 2.58 crores ही किस लिमिट में आ जाएगा, अगर हम लोग को लिमिट याद हो तो 2.58 crores स्टार्टिंग में आएगा, जहां पे लिखा था कि माइनस से लेकर के अगर हमारा इफेक्टिव कैपिटल लेस देन 5 crores है तो कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 60 लाख। देयरफोर
रेमुनरेशन विल बी ₹60 lakhs पर एनम. एंड एज पर अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर करें तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 zeros दिया है ना, तो 6000 पर एनम होगा ना, क्योंकि 3 zero तो ऊपर से लगना ही है. ठीक है, बस यही हमारा टॉपिक था आज का, जो कि बेसिकली किस पे बेस था, कि जो हमारे मैनेजरियल डायरेक्टर्स होते हैं उनको रेम्यूनरेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें ये देखना है कि CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा. अब हम लोग देख लेते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ CDT. CDT क्या है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. और होपफुली हम सबने टैक्स में पढ़ा हुआ है. ठीक है, हम सीधे इसके स्टेप्स की बात करते हैं. तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिविडेंड पे पे आउट किया जाता है, तो कैलकुलेट डिविडेंड, ये सबसे पहला स्टेप है. ठीक है, कि हम डिविडेंड के अमाउंट निकाल लेंगे. अब जितना डिविडेंड कंपनी आपको पे करती है उसमें से वो CDT काट करके पे करती है. क्लियर? तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा ग्रॉस्ड अप का. ग्रॉस्ड अप अमाउंट हम निकाल लें किसकी, डिविडेंड की. एंड ग्रॉस्ड अप अमाउंट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, कि जितना डिविडेंड अमाउंट है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, क्योंकि हमारा जो CDT का रेट है वो 15% है, तो इसमें से ऑलरेडी 15% डिडक्टेड होगा. तो डिविडेंड अमाउंट कितना होगा, 85, तो 100% कितना. क्लियर? एंड थर्ड, सीधे सीधे हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, CDT का. CDT कैसे निकालेंगे, जो हमने सेकेंड स्टेप अप्लाई किया है, इंटू 17.304%. अभी 17.304% कहाँ से आया, CDT का हमारा रेट कितना है, 15%. सरचार्ज की अगर बात करें तो 12%, और सेस की बात करें तो 3%. होपफुली हम लोगों को ही कैलकुलेट करना आता होगा, बट अगर नहीं आता तो इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं कि पहले आप लोग 15% का, है ना, पहले 15, आप क्या करना, पहले 15% का 12% निकालना, तो 12% और 15%. ठीक, सरचार्ज इसमें ऐड हो गया. ये जो टोटल अमाउंट आ रही है इसका आप 3% निकाल लेना. ये 3% किसका है, सेस. तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.304%. क्लियर? बस स्टेप में यही है कि सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट निकालो, फिर ग्रॉस्ड अप करो, और फिर सीधे CDT का रेट अप्लाई कर दो. और इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि CDT निकालना है. तो अगर हमारे पास ग्रॉस्ड अप डिविडेंड अमाउंट है तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? नोट्स में सब दिया है, इसके अलावा नोट्स में हमने सब प्रोवाइड किया है. ठीक है, चलो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं. बुक में हमारे पास इसका 3 questions दिया हुआ है, जो कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. आओ पेज नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों इसी टॉपिक पे है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी इस टॉपिक पे है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. कह रहा है एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 5th of April 2015 कितना डिविडेंड है, 230 lakh का. ठीक है, आपको DDT निकालना है. सिंपल, तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे कैलकुलेशन ऑफ CDT, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ना. 230 lakh है, पहले क्या करोगे, इसको ग्रॉस्ड अप करोगे. ये हो गया ग्रॉस्ड अप, 100% वैल्यू आ गई. अब 100% वैल्यू आ गई तो सीधे सीधे हमने रेट अप्लाई कर दिया. क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कितना आ रहा है आंसर इसका. ये आएगा हम लोगों का 46.82 lakh. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. देखो लिखा है कि एक्स लिमिटेड प्रपोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड अमाउंटिंग टू 425 lakh फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015. टैक्स कितना है, 17.304%. इन दिस केस आपको अलग से बताना है कि ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड कैसे होगा, एंड सेपरेटली डिस्क्लोज द चार्ज फॉर DDT इन द नोट्स अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. बता देंगे कि हम लोग इसको बुक्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको बुक्स में या नोट्स अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे. देखो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस्ड अप अमाउंट, है ना, कितना था बेटा, 425 lakh. ये तो 85% है, तो 100% कितना, ये सीधे सीधे आ जाएगा 500 lakh. नेक्स्ट स्टेप किसका हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ CDT. एंड CDT मतलब क्या, सिंपली 500 lakh का 17.304%. ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है,
500 इंटू 17.304%, ये आ जाएगा हमारा 86.52 लाख। क्लियर है? अब ये कह रहे ना कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसमें लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये कैसे आएगा, बल्कि इसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब क्वेश्चन आएगा तो वो करेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको दिखा रहे हैं कि ये बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट होगा। बैलेंस शीट में ना आप सिंपली इसको दिखाते हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज में। क्लियर? कहाँ दिखाते हैं? अदर करेंट लाइबिलिटीज में। तो हम बैलेंस शीट बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये बैलेंस शीट कब की बनेगी, देखो बुक में दिया है 31 मार्च 2015। कंपनी की बैलेंस शीट है, इन रुपीज लिख दिया, कंपनी की बैलेंस शीट है ना एक्स लिमिटेड की, यहां लिख देते हैं एक्स लिमिटेड। तो देखो हमारे पास, हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि हमें डीडीटी का कैलकुलेशन, या फिर कह लो डीडीटी का प्रेजेंटेशन बुक्स में दिखाना है। तो सिंपली अब हम दोनों पॉइंट्स कहां दिखाते हैं, अदर करेंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। कितना था हमारा डिविडेंड, 425 था, तो डिविडेंड जितना डिक्लेयर्ड हुआ, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर्ड हुआ है बेटा, 425, और ये रुपीज इन लैक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। और दूसरा हमारे पास डीडीटी की अगर हम बात करें तो हमारा डिक्लेयर्ड डीडीटी कितना है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 86.52। यहाँ पे हम लिख दे रहे एक्सट्रैक्ट, रीजन बीइंग कि इसके बाद मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना बताया था कि आपको ये बताना है कि आप इसको बुक्स में या बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट में हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज दिखाते हैं, तो अदर करंट लाइबिलिटीज का ये सीधे सीधे पार्ट बन जाएगा, ठीक ठीक है। बस यही इतना पॉइंट था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कंपनी प्रोवाइडेड 10 लाख फॉर डिविडेंड पेमेंट, इज द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल ऑन दिस केस, इफ यस प्लीज कंप्यूट सीडीटी अज्यूमिंग रेट ऑफ 15% प्लस सरचार्ज ऑफ 10%, होता 12%, आपको अज्यूम कितना करना है 10%, एंड डिस्क्लोज एज इट वुड अपियर इन पीएल अकाउंट। होपफुली ये हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना, ठीक है। और इसका आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आएगा 194118.1, इसका आंसर आएगा 194118.1, बाकी इसका आंसर हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है।